सो हेलो एवरीवन, जेडीज है, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो कैसे हैं आप लोग? आई होप यार आप लोग अच्छे होंगे। नई वीडियो लाए हैं तो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो आज की। सो जैसे आप लोगों को पता है कि नए साल का सीजन स्टार्ट हो चुका है और नेमे की भरमार भी आ चुकी है। जैसे सबसे पहले बात करने जा रहा हूँ मैं हार्दिक पांड्या की। जी हाँ, जैसे आपको पता है जो वर्ल्ड की अगर कभी भी कोई कॉफी का नाम ले जाए सबसे महंगी कॉफी होगी तो मेरे हिसाब से वो होगी कॉफी विद करण की, जो अभी अभी के राहुल और हार्दिक पांड्या को पीनी पड़ी। जी हाँ, बेचारी एक औरत इतना कहते करते थकी कि चाय पी लो, कोई उनकी बात ही नहीं सुन रहा। हेलो फ्रेंड्स, चाय पी लो। तभी समझ में नहीं आता कि इतने टाइम से औरत क्यों पीछे पड़ी सबके कि चाय पी लो चाय पी लो। अब जाके वो मुद्दा अब उठाए कि अच्छा तो इसके लिए पीछे पड़ी थी औरत की चाय पी लो। ऐसी बात है, मतलब जैसे कि क्या कहा था, हाँ हार्दिक, मतलब ये कुछ चला घर पे आके बोलते कि मैं आज करके आया हूँ। माय फैमिली हैव बीन लाइक ओपन अबाउट एवरीथिंग। I told them, I said, आज करके आया, my parents are watching me like, विशुद्ध चूतिया लड़के हो तुम, चुप रहो। इनके मम्मी पापा क्या प्राउड करते हैं इनके फिल्म पे, घंटा प्राउड करना। हमारे मम्मी पापा तो चप्पलें और पड़ती हैं गाल पे। काहे का प्राउड यार, मतलब तुम किसी के लिए ये, मतलब ये रिस्पेक्ट ये, और तुम्हें यार पूरा ऑल ओवर इंडिया देख रहा है और वर्ल्ड देख रहा है, तुम इंटेलिजेंट पे हो, तुम एक इंटेलिजेंट पे ऐसी बातें कर रहे हो, वो भी एक रिस्पेक्टेबल एक क्रिकेटर हो के एल राहुल, मतलब उसका तो तुमने करियर बर्बाद कराया था। मतलब अपना भी अब चाहे IPL का ले लो, उसमें भी ऑलमोस्ट बैन कर रखा है। न्यूजीलैंड का दौर ले लो, चाहे ऑस्ट्रेलिया का लो, मे बी IPL स्टार्ट होने तो उसमें भी ऑलमोस्ट उन बैन ही है। तो यार मतलब कहते हैं ना, मतलब एक कम एज में कुछ ज़्यादा ही सक्सेस मिल जाती है, यही होता है। हर किसी से नहीं झेली आती भाई, हर किसी से नहीं झेली आती, तो वही चीज़ दिख रही है इनसे नहीं झेली गई। और एटीट्यूड इतना कूट कूट के, मतलब तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा, जैसे कि सारा ये खुद चल यही संभाल रहे हैं, एटीट्यूड इतना कूट कूट के मिलेगा तुम्हारे अंदर। मतलब एक क्वेश्चन पूछा गया, हु इज बेस्ट बैट्समैन, सचिन एंड विराट? ऑलवेज विराट। सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली द बेटर बैट्समैन? आई विल से विराट। विराट और सचिन द बेटर बैट्समैन? विराट। मैं बताऊं तुमको कि सचिन सबका बाप है। विराट और सचिन द बेटर बैट्समैन? विराट। भोसड़ी वालों को जिंदा पकड़ना है। एक और क्वेश्चन पूछा गया, हु इज बेस्ट फुटबॉलर, रोनाल्डो एंड मेसी? ऑलवेज विराट। तो मतलब इसका क्या मतलब करा जाए, मतलब ऑलवेज विराट हर चीज में, ऑलवेज। चलिए आप आइए हमारे साथ कॉफी पीजिए, आइए। नहीं नहीं आइए, भाई मेरे को काम, बाद में काम बाद में कर लेना, कपड़ा बर्तन सब धोने के भाई। तू तो आ, मुझे भी काम है। अब तो रे क्या बात है, कोई तो आ मेरे साथ कॉफी पीने। माना कि कैप्टन है तो कितना करोगे, मतलब उस कैप्टन के लिए, मतलब कहाँ कैप्टन नहीं दे सकता साथ ना, नहीं दे सकता कैप्टन साहब, क्या करें इनको बेचारे। सचिन सर का खून खोल रहा होगा अलग ही, मतलब क्या है ये लोग, धोनी सर की तो बात ही क्या करे। मतलब माना कि अभी नहीं चल रहा उनका टाइम, या मतलब देखा ना मैच में, जैसे कि अभी गली बॉय आने वाली है तो उसमें गाना है अपना टाइम आएगा, आया उतना टाइम धोनी सर का। देखा था, अब आके स्टेटमेंट दे रहे हैं यार, उनको अपने कमरे में बंद कर रखा है हार्दिक पांड्या, उनके पापा आके स्टेटमेंट दे रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, अब दोबारा पब्लिक स्टंट, कुछ फायदा नहीं सब चीज से। शेयर चलते हैं दूसरी अपडेट की, यानी दूसरी मीम की, जैसे कि आजकल बहुत चला ये 10 साल #10years चैनल्स। यार क्या 10 ईयर चैलेंज, 10 साल पहले तुम दूसरे हाथ दूसरे को तो रूल है, उसमें क्या 10 ईयर चला। अबे 10 साल पहले कोई पत्ती भी होगी तो वो भी तो फूल बन चुका होगा, वो भी तो पौधा बन चुका होगा। कोई जहाँ फेसबुक खोल के बैठो 10 ईयर चलन, 10 साल पहले 10 साल बाद, 10 साल पहले 10 साल बाद। अबे तो भाई चेंज तो हो गई है, तो क्या मतलब वैसे ही रहना है, स्टिल वैसे की वैसे रहे क्या, वैसे ही खड़ा रहे, हर चीज वैसे की वैसी रहेगी तो कैसा लगेगा यार तुम्हें। चेंज तो रूल है प्रगति का, चेंज तो होना ही पड़ेगा,
क्या है यार, मतलब कोई भी चीज उठा के डाल दो, मतलब तुम मतलब वही बात है, एक फोटो डाल दो, यार तेरा हो गई 10 ईयर चैलेंज कंप्लीट हो गया। बट क्या करे, पब्लिक को मजा आता है तो करना पड़ता है कुछ चीजें, कुछ चीजें करनी पड़ती, कुछ नहीं पड़ती, कुछ बहुत चीजें करनी पड़ती। लास्ट टॉपिक की बात करने यार, वो हम बात करने यार, हम चेंज करने लगे, बड़े सुना है मैंने। जी हाँ, रैपिंग के अलावा कुछ और कर रहे हैं आजकल? अरे रैपिंग कर रहे हैं किसी और काम के लिए, चलिए देखते हैं। क्या बोलते सब लोग, एमवीए बनता है मालूम है ना, अपुन आ रहे सबसे सस्ते 5 दिन पे शॉपिंग का धमाल मचाने के लिए। तैयार है कि नहीं पब्लिक? तैयार नहीं है तो तैयार हो जाओ। और इसी वीडियो को देखने के बाद मुझे ख्याल आया, भाई साहब ये किस लाइन में आ गए आप? सो यार आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट। पता है मैंने आज बहुत ज्यादा ओवर एक्टिंग करी है, तो प्लीज यार एक बार देख लेना कि अच्छा लगे कैसे लगे। तो जैसे भी लगे यार वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज यार लाइक जरूर कर देना, अगर मेरे चैनल पसंद आया तो सब्सक्राइब भी कर देना, और अगर आपके कोई विचार हैं तो प्लीज यार कमेंट में बताना अपने सारे विचार। तो थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, टाटा बाय बाय, शब्बा केयर।